अब देखते हैं कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स, एनी प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ फर्म एंटेल्स एंटेल्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल। देखो हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और भी चीज़ें लगती है, ठीक है। द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज इन मैन्युफैक्चरिंग। द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस से व्हेन द मटेरियल इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। देखो हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और भी चीज़ें लगती है, तो हमारा जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। उसे पता होना चाहिए कि कितना लग रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने का मटेरियल लग रहा है, कितने का लेबर लग रहा है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ पीरियड बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट निड नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल विद द कंसर्न। ये क्या कहता है कि हमारे पास मटेरियल होगा भले ही 50 लाख का, हमारे पास मटेरियल भले ही 50 लाख का है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने प्रोडक्शन में पूरा 50 लाख का मटेरियल लगा दिया है। हमने मटेरियल भले, देखो हमारे पास मटेरियल 10 लाख का मटेरियल हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग में हमारे पास 10 है, और परचेज किया हमने 40 लाख, ऐसे कुल मिला के हमारे पास 50 लाख का मटेरियल है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस साल हम पूरा 50 लाख का मटेरियल यूज़ कर लेंगे। क्यों? कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी तो हो सकता है ना, ईयर एंड में जो मटेरियल बच गया वो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। तो ये वही बोल रहा है कि हमारा, फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एनी पीरियड द टोटल ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक अवेलेबल फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, है ना। हमारे पास था कितना, 50 लाख था, 50 लाख हमने एक्चुअली कंज्यूम किया क्या, नहीं। एंड असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल अवेलेबल एंड मटेरियल कंज्यूम रिप्रेजेंट स्टॉक, है ना। अवेलेबल था 50 लैक्स, यूज़ किया हमने कितना, 40 लैक्स, तो बैलेंस स्टॉक कितना है, 10 लैक्स। सिंपल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल विद प्रोडक्ट्स ऑफ कॉस्ट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो अब हमें क्या है कि हमें हमारा मटेरियल भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमने इतने सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल खरीदे हैं, प्लास्टिक खरीदा है, वायर खरीदा है, ग्लास खरीदा है, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग मटेरियल खरीदे हैं, तो उसका हमें आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोडिंग सिस्टम फॉलो कर देंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, कोड दे देंगे, ठीक है, हर मटेरियल को एक कोड दे देंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर मतलब क्या है, डे वन पे हमने देखा था ना कॉस्ट सेंटर, तो हम मटेरियल को तो कोड देंगे ही, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारे अलग अलग कॉस्ट सेंटर है, जैसे कि कॉस्ट सेंटर 1, कॉस्ट सेंटर 2, ठीक है, तो हम इसे भी कोड दे देंगे। हम कोडिंग ही ऐसा करेंगे जैसे कि जो कॉस्ट सेंटर 1 का कुछ मटेरियल एक्सक्लूसिवली कॉस्ट सेंटर 1 में लगने वाले हैं, तो वो कोड ही उनके कुछ ऐसे होंगे कि उस कोड को देख के हमें पता चल जाएगा कि अरे हाँ ये तो मटेरियल कॉस्ट सेंटर 1 का मटेरियल है, अरे हाँ ये तो कॉस्ट सेंटर 2 का मटेरियल है, ठीक है। सिंपल है। अब ये आगे जो दिया है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, ये पूरा इस पर एक टॉपिक है हमारा ओवरहेड्स, उसमें समझेंगे हम आगे। ईच इशू ऑफ मटेरियल शुड बी रिकॉर्डेड, जब जब हम मटेरियल इशू करते हैं उसे रिकॉर्ड करना है। यस सर, हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, स्टोर लेजर में या बीन कार्ड में, कहीं ना कहीं कर रहे हैं ना, हम कोई ना कोई सिस्टम तो फॉलो कर ही रहे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ द मटेरियल रिक्विजिशन नोट। देखो मटेरियल रिक्विजिशन नोट आती है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है पूरा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल लगता है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट से क्या करता है, MRN मटेरियल रिक्विजिशन नोट के जरिए मांगता है। अगर मटेरियल रिटर्न आ रहा है तो मटेरियल रिटर्न नोट होनी चाहिए, है ना। मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड वुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, और जो आखिरी में जो स्टॉक बचता है उसकी वैल्यू कितनी, जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं फीफो लीफो एवरेज, उसके हिसाब से। और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड मतलब जो कंज्यूम हुआ है उसको कैसे वैल्यू करेंगे, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज से। और जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो भी कैसे, इन्हीं मेथड से फॉलो करेंगे। मॉनिटरिंग कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कंजम्पशन कैसा हो रहा है वो हमें मॉनिटर होना चाहिए कि हमने मटेरियल कितना इशू किया है, कितना स्टॉक में, कौन सा डिपार्टमेंट कितना यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। तो देखेंगे मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ऐसा एक
फॉर्मेट में हम फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मेट डिफर करता है कंपनी टू कंपनी, जिसका जैसा ईआरपी, जिसका जैसा सिस्टम है वो वैसा फॉर्मेट बनाएगा। ये एक सिर्फ प्रोफॉर्मा है, ठीक है, ये फॉर्मेट है, एक सैंपल है। देखो ट्रांसफ़र नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट वगैरह, उसका नंबर आ जाता है यहाँ पे 37, ठीक है। अमाउंट कितने रुपए का था वो प्रोडक्ट, उसमें कितने थे प्रोडक्ट, 101 नंबर का प्रोडक्ट कितने रुपए का था, 1000, 102 कुछ भी नहीं था, 103 5000 का था, ऐसा टोटल फिर कितना आ रहा है। ओवर हेड कुछ ओवर हेड लगा है क्या, मतलब हैंडलिंग वैंडलिंग का खर्चा या एब्जॉर्प्शन जो कुछ एब नॉर्मल लॉस वगैरह हुआ था वो ओवर हेड के ज़रिए यहाँ से लगा है क्या, वो सब एकदम नॉर्मल चीज़ है। बेसिस फॉर कंजम्पशन एंट्रीज इन फिनेंशियल अकाउंट्स, देखो कंजम्पशन एंट्रीज मतलब हम मटेरियल इशू कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी फिनेंशियल अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे होंगी। उसकी फिनेंशियल अकाउंट्स में जो कंजम्पशन कर रहे हैं हम, फीफो से कर रहे हैं, लीफो से कर रहे हैं, या जो भी मेथड से कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका हमें एक्सटर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिक्वायरमेंट है। जो हमारी बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, उसमें हमें हमारा मटेरियल का कॉस्ट पता होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। सेकेंडली इंटरनल यूज़ मतलब मैनेजरियल के डिसीजन के लिए हम ये सब, ये क्या है कि हम कॉस्टिंग जो फॉलो कर रहे हैं, ये कॉस्टिंग फॉलो क्यों कर रहे हैं, वैल्यूएशन वगैरह क्यों कर रहे हैं, क्यों। पहला एक तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा जब तक हमें मटेरियल की कॉस्ट नहीं पता चलेंगी, तो ये एक्सटर्नल डेटा हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह किसके लिए होती है, बाहर वालों के लिए, अंदर वालों के लिए तो होती है, इसी के साथ साथ ये बाहर वालों के लिए भी होती है। लेकिन जो मैनेजरियल डिसीजन है, एक्चुअल में रियल कॉस्ट का डेटा कोई कभी किसी से शेयर करता है क्या, नहीं। हम बाहर वालों के साथ कॉस्ट का डेटा नहीं शेयर करेंगे। कॉस्ट का डेटा कैसा होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटरनल पर्पज़ के लिए ही होता है, इंटरनल मैनेजमेंट ही यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है, फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हम बना रहे हैं पेन, हम पेन के साथ साथ पेंसिल भी बनाते हैं, ठीक है। हमने देखा पेन बनता, पेन का कॉस्ट है 8 रुपया, पेंसिल की कॉस्ट है 7 रुपया, और दोनों भी बिकते हैं 10 रुपयों में, तो हम क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, पेन की पेंसिल। पेन बनाने की कीमत है 8 रुपया, पेन बनाने के लिए हमें कॉस्ट लगती है 8 रुपीज़, और पेंसिल बनाने के लिए हमें कॉस्ट लगती है 7 रुपीज़, और दोनों भी बिकते हैं 10-10 रुपीज़ में, सेलिंग प्राइस दोनों की 10 है, तो हम ज़्यादा क्या बनाएंगे, पेंसिल। क्यों, क्योंकि सर यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, यहाँ प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ये हमारा डिसीजन क्या था, इसे हम बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजन। इसे क्या बोलते हैं, मैनेजरियल डिसीजन। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, हमारे कॉस्टिंग का डेटा। देखो ये कब पॉसिबल हो, जब हमें हमारे कॉस्ट का डेटा पता था कि पेंसिल 7 में बनती है और पेन 8 में बनता है, ठीक है। तो ये तो हमें इसके ज़रिए पता चला। द कंजम्पशन एंट्रीज इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। और आखिरी में क्या है कि हमारा जो स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक है, वो कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी, विचेवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल वैल्यू होता है बुक्स में कितना लेते हैं, वो कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मेरे दोस्तों हमने कंप्लीट किया है मटेरियल कॉस्टिंग। ये हमारे सिलेब हमारे कॉस्टिंग के पेपर का सबसे बड़ा टॉपिक था एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके अलावा दो या तीन ही टॉपिक हो बचते हैं जो बड़े हैं, बाकी सारी टॉपिक्स एकदम छोटे छोटे हैं, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ही बड़ा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट था, इस पर थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। एक बात और कहना चाहूँगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या याद रखना है कि ये क्या होता है, कॉस्टिंग पीएनएल को जाता है, एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएनएल को जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और नॉर्मल लॉस कहाँ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे यूनिट्स, गुड यूनिट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट मटेरियल कॉस्ट, इसे अच्छे से पढ़ना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे बड़ा टॉपिक था ये, सबसे इम्पॉर्टेंट भी था, सबसे बड़ा भी था। अब इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ एक दो ही टॉपिक्स हैं ऐसे हैं जो बड़े हैं, जैसे कि ओवरहेड्स है और लास्ट का मार्जिनल वगैरह थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे टॉपिक्स एकदम छोटे छोटे हैं। तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास तो करा ही देगा, आपके एग्जाम्स भी निकालेगा और एग्रीगेट भी निकालेगा, तो कॉस्टिंग में अच्छे से पढ़ना है आपको, और
कोई भी डिफिकल्टी आती है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।